नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। बॉलीवुड स्पेशल अंक के साथ मैं शैलेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तीन गानों की जिन्हें भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने पहले गाने से मना कर दिया था, मगर प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन के कारण उन्होंने इन गानों को गाया और वे बाद में काफी सुपर डुपर हिट हुए और वे आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे उन तीन गानों की जिन्हें लता मंगेशकर ने पहले गाने से मना कर दिया था। आइए बात करते हैं उस पहले गाने की जिसे लता मंगेशकर ने गाने से मना कर दिया था। वो गाना था गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, चाहे रोज बुलाया करो। यह गाना था फिल्म समाधि का, जो 1950 में रिलीज हुई थी। इस गाने के संगीतकार थे चितलकर रामचंद्र यानी सी रामचंद्र, और इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। इस युगल गीत को लता मंगेशकर के साथ अमीर बाई कर्नाटकी ने गाया था। यह गाना 1945 की अमेरिकन फिल्म डॉल फेस के सॉन्ग चीको चीको फ्रॉम प्यूर्टो रिको से प्रेरित था। लता मंगेशकर को गाने के बोल अच्छे नहीं लगे थे और वे इस गाने को गाना नहीं चाहती थीं। मगर तब गाने से मना करना उस जमाने में कैरियर के शुरुआती दिनों में ही काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए लता मंगेशकर ने मजबूरी बस यह गाना गाया और गाना बना और यह गाना बहुत हिट हुआ और वो गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। लेकिन लता मंगेशकर ने इस गाने को कभी भी अपने घर में भी बजने नहीं दिया, क्योंकि वे घर की बड़ी बहन थी और इस तरह के गाने को वो काफ़ी बुरा समझती थी। एक और गाना जिसे लता मंगेशकर नहीं गाना चाहती थी वो था मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया। यह गाना था फिल्म संगम का, जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी और फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गाने को सुनते ही, इस गाने के बोल को सुनते ही लता मंगेशकर ने इसे गाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि गाने के एक अटपटे बोल बुढ़ा मिल गया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने कहा कि मैं यह गाना नहीं गा सकती हूँ, आप किसी और गायिका से इसे गवा लीजिए। लेकिन राज कपूर और शंकर जयकिशन भला कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने किसी तरह लता मंगेशकर को इस गाने गाने को गाने के लिए मना ही लिया और बाद में लता मंगेशकर ने इसे गाया भी। गाना बेहद कामयाब रहा, जो कि आज भी सुपर डुपर हिट है। तीसरा वो गाना जो लता मंगेशकर नहीं गाना चाहती थी वह था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। गाने के बोल थे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तरसाए, तेरी दो टकियां दे नौकरी रे, मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। है ना जबरदस्त गाना। लेकिन इस गाने को लता मंगेशकर ने गाने से इनकार कर दिया था। इसका कारण था फिल्म में गाने के बोल में दो टकियां दी नौकरी, इस लाइन से लता मंगेशकर को काफी ऐतराज था। यह गाना लिखा था वर्मा मलिक ने और इसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनोज कुमार ने इस गाने के लिए लता मंगेशकर को काफी मिन्नतें की और बहुत 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 ही मिन्नतें करने के बाद जब लता मंगेशकर इस गाने को गाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने क्या गाया इस गाने को, जो कि आज भी इतिहास है। और यह गाना बेहद हिट रहा और आज भी जब भी बारिश होती है तो लोग इस गाने को जरूर गुनगुनाते हैं। हालांकि इन तीनों गानों को लता मंगेशकर ने पहले तो गाने से इनकार कर दिया था, इसके बाद भी ये गाने काफी हिट रहे,
क्योंकि लता मंगेशकर जब भी कोई गाना गाती हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और ये तीनों गाने इसकी मिसाल हैं, क्योंकि ये गाने उन्होंने पहले गाने से इनकार कर दिया था, मगर जब गाया तो ऐसा गाया कि फिर सभी लोग इसे आज भी याद करते हैं। यही तो जादू था लता मंगेशकर का, और वो इस कारण भी हमारी भारत की रत्न है। कैसा लगा आपको हमारा यह अंक? अगर यह अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।